हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। इस व्लॉग पे आज हम लोग बात करेंगे कि जो एसएससी सीजल एग्जामिनेशन का आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और यहाँ इन 50 दिनों में आपको कैसे काम करना है और हर एक दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो कैंडिडेट ऑलरेडी ये उनके पास प्लान है कैसे उनको अपकमिंग स्टडीज़ करना है तो आप ये वीडियो ना देखें, लेकिन जो कैंडिडेट इस फील्ड में एकदम न्यू है उनको बिल्कुल नहीं पता कि अब ये 40-45 डेज में कैसे स्टडी करनी है, तो उन सब कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ आपका T1 होगा जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश है, ये जिस क्वालिफाइंग नेचर है आपके लिए। और इसके बाद में आपका जो दूसरा पेपर आ जाता है T2, इसमें आपका लैंग्वेज पेपर होगा। उसके बाद आपका जो आ जाता है ये हो गया T3, सब वन डे एग्ज़ाम है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ आपको कुछ सब्जेक्ट झारखंड, GK, फिर रीजनिंग, उसके बाद में कंप्यूटर, उसके बाद में मैथमेटिक्स यानी मैथ्स और जनरल साइंस, उसके बाद जनरल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, अभी जो लास्ट के जो समय है 40 डेज में, आपको अपना लैंग्वेज पेपर पे बहुत ज़्यादा कमांड आपको रखना है लैंग्वेज पेपर पे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लैंग्वेज पेपर 100 क्वेश्चंस है इसमें और ये आपका 300 मार्क्स का है। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा कमांड रखेंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल अप रहेगा। और आपको साथ में ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि लैंग्वेज में सारे कैंडिडेट ही ध्यान देंगे तो हम जितने भी कैंडिडेट हैं सबका लेवल तो एक बराबर ही रहेगा। अब एक बराबर जब यहाँ लेवल सबका रहेगा लैंग्वेज पेपर में, तो इनसे ऊपर कैसे जाया जाए, ये ऊपर कैसे जाया जाए, ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूँगा। यहाँ आपको नोट करने की चीज़ ये है कि देखिए, झारखंड GK ये आपको बहुत काम आने वाला है। झारखंड GK में आपका 40 क्वेश्चंस हैं झारखंड GK में, और कुछ जो जनरल स्टडीज़ में भी इक्का दुक्का सवाल आ सकते हैं। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस तो झारखंड से रिलेटेड आएंगे, यानी झारखंड से ही आपको 45 क्वेश्चंस आपको झारखंड GK से देखने को जरूर मिल जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ आप पकड़िए कि 100 क्वेश्चंस आपके हो गए लैंग्वेज के और 45 क्वेश्चंस आपके हो गए झारखंड GK के, ठीक। उसके बाद ये दो जो है ये मस्ट है, आपको करना है और ये सभी कैंडिडेट करेंगे। ये बात भी आपको जानना होगा कि लैंग्वेज और झारखंड GK सभी कैंडिडेट करेंगे, क्योंकि झारखंड GK उनको अदर एग्जाम में भी काम आएंगे जो झारखंड से रिलेटेड एग्जाम होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इजी फेसिंग जो मार्क्स है, जो रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स, जिनका मैथ्स अच्छा है वो यहाँ सॉलिड ला सकते हैं। ये आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो सिलेबस में दिया हुआ है इसके सिलेबस देखिएगा, जो सिलेबस में है उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस कर लेना है मैथ्स के लिए। और कंप्यूटर में जो टॉपिक जो दिया हुआ बहुत ही कन्फाइन और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आप, लेकिन जो टॉपिक मेंशन करिए उसमें से अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा जाएगा। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको हर दिन अगर नहीं कर सकते तो हर दो दिन में अल्टरनेटिव 2 डेज में आप इसको रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहिएगा, कि रीजनिंग और मैथ्स ये दो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही इसमें मास्टरी आपको मिल सकती है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। और जनरल स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स है, इंडिपेंडेंट है, पॉलिटी है, कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन जनरल स्टडीज़ के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको शेयर करता हूँ, वो आप स्पेशली देख लीजिएगा। उसमें 5-ईयर प्लान होगा और फिर उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, द पंचायती राज, ये सब है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड पोलिटिकल जो झारखंड है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका जनरल स्टडीज़ में भी उसमें से क्वेश्चन आएंगे, जिनको मिला के आपका 5+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो और प्लस अगर जनरल GK ये मैं बात करूँ तो करेंसी, कैपिटल, स्क्रिप्ट, बुक एंड ऑथर, इंडियन लैंग्वेज, आप बोलेंगे आप कितना सारा है, तो इसमें से अगर मिनिमम में भी अगर आपको करना है तो इंडिया के जो नेबर्स हैं कंट्री के, उनका करेंसी, उनका स्टेट एनिमल्स, उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, जैसे कि आपको म्यांमार के बारे में पूछ दिया, बांग्लादेश के बारे में पूछ दिया, श्रीलंका के बारे में पूछ दिया, नेपाल के बारे में पूछ दिया, सिक्किम के बारे, भूटान के बारे में पूछ दिया, तो ये सब चीज़ आपको वो पूछ सकते हैं। इंडिया के जो नेबरिंग जो है उसमें से ऊपर से आप देख लीजिएगा, कोई भी GK में आपको मिल जाएगा। और स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो स्क्रिप्ट में इंडिया के जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो देखिएगा, और प्लस इंडिया के जितने भी एंशियंट लैंग्वेज है वो भी देखिएगा, क्योंकि एंशियंट लैंग्वेज में से भी 1-2 सवाल डेफिनेटली उसमें आ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मतलब जैसे कि 30 स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये सब मिनिमम लेके जो मैंने कहा उसको एक बार प्लेबैक कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि क्या क्या मैंने कहा। और जनरल साइंस जो है ये आपको लूसेंट या कोई भी जो बुक है वहाँ आप कर सकते हैं, या तो उसको प्रैक्टिस पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जनरल साइंस का। और बाकी सब जो मैंने बताया आप लोग उसी तरह से फॉलो कीजिएगा।